अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। नादरीन, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका दोस्त आमिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर अहमद ऑफिशियल। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हाजिर हूं मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ में। सालों से ही देखता आ रहा हूं कि लोग जो है जैसे रमजान शरीफ नजदीक आता है तो टाइम टेबल के बारे में पूछते हैं, भाई सहरी का टाइम क्या, इफ्तार का टाइम क्या, जब नॉर्मली रोजे रखने होते हैं जैसे मुहर्रम शरीफ के रोजे हो गए या फिर शबे बारात हो गई तो उसका रोजा हो गया, उस टाइम पे लोग जो है टाइम टेबल पूछते हैं कि सहरी का क्या टाइम है, इफ्तार का क्या टाइम है। तो आज इंशाल्लाह अज़्ज़वजल ये वीडियो आप आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह अज़्ज़वजल अल्लाह ही चाहे तो आप अगर उनमें से हैं जो टाइम टेबल पूछते हैं तो इंशाल्लाह अज़्ज़वजल आप उनमें से हो जाएंगे जो टाइम टेबल बताने वाले होंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह अज़्ज़वजल आपको बहुत कुछ मालूम आपको हासिल होगी इंशाल्लाह। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हमें एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, उस एप्लीकेशन की मदद से हम इंशाल्लाह अज़्ज़वजल दुनिया भर के जितने भी ममालिक हैं, तकरीबन 247 कंट्रीज है, तो उनके लाखों लाख जो सिटीज है तो उन सब के टाइम टेबल इंशाल्लाह अज़्ज़वजल, अगर आप गांव में रहते तो गांव का भी अल्लाह चाहे तो शहर और इफ्तार का टाइम टेबल आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें एक और चीज है कि आपको कहीं पर जाके किबला शरीफ कहाँ है ये भी पूछने की इंशाल्लाह अज़्ज़वजल हाजत नहीं होगी वीडियो देखने के बाद। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले हमें एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। इस एप्लीकेशन का नाम है प्रेयर टाइम्स। ये एप्लीकेशन दावत इस्लामी ने बनाई है, तो इसको प्रेयर टाइम्स हम सर्च कर लेते हैं। ये प्रेयर टाइम्स हमने सर्च कर लिया। इसमें रेड कलर का जो निशान आपको दिख रहा है ये ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर ये इंस्टॉल्ड है मेरे फ़ोन में। तो आपको रेड कलर का निशान तो ठीक है देख लेना, बाकी दावत इस्लामी नीचे लिखा हुआ ये देखना, क्योंकि प्रेयर टाइम्स नाम से आपको काफ़ी जो है एप्लीकेशन मिल जाएंगे। तो दावत इस्लामी नीचे लिखा हुआ, और डायरेक्टली आप सर्च भी करेंगे तो इसमें अगर आप दावत इस्लामी लिख देंगे ना, दावत इस्लामी, तो आपको डायरेक्टली एप्लीकेशन आ जाएगी। तो इससे हम जो है चालू करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, फिर उसके बाद जब ओपन करेंगे तो ओके ओके करके हमको आगे की तरफ चले जाना है। तो इसमें अब हम टाइम कैसे देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देख लीजिए, ये नीचे पॉइंटर दिख रहा होगा आपको, ये है नया नगर लिखा हुआ है, यहाँ पर नया नगर इंडिया। तो नया नगर जो है हमारे जो सिटी है मीरा रोड, इसमें ये एक एरिया है तो नया नगर, ठीक है। तो इसमें अभी हमें ये देखना है कि इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें ना तो सहरी का टाइम दिया हुआ है और ना ही इसमें इफ्तार का टाइम दिया हुआ है। तो एक बात हमेशा जहन में रखें कि सहरी का जो टाइम है ना, वो ये टाइम है जब फजर का वक्त शुरू होता है तो सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है, इसी तरीके से जब मगरिब का वक्त शुरू होता है तो इफ्तार का वक्त शुरू हो जाता है। मगर इसमें हमें एहतियात करनी होती है कुछ देर के लिए, जैसे फजर का वक्त शुरू होने से 5 से 7 मिनट पहले जो है हम सहरी करना बंद कर दें, ये हमें देखना होता है। और तो मगरिब का वक्त जब शुरू हो रहा है उसके 5 मिनट तक हम इंतजार करें, एहतियातन वक्त होता है ये, तो इस इतना इंतज़ार करें और उसके बाद में फिर इफ्तार करें। मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ, अभी जैसे यहाँ का मीरा रोड का मेरे पास जो है कैलेंडर है, जो रमज़ान टाइम टेबल होता है ना, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि इफ्तार का टाइम जो है तीसरे रोज़े का वो 7:04 है और सहरी का टाइम 4:46 पर ख़त्म हो गया। तो अब आप देखें ये जो है ना, इसमें आप देखें फजर का टाइम 4:56 पे शुरू हो रहा है, तो इससे इन्होंने एहतियातन वक्त जो लिया है यहाँ पर यह है वो 4:46 है, यानी 10 मिनट का इन्होंने एहतियातन वक्त लिया है कि 10, तो 10 मिनट पहले इन्होंने फजर से जो है सहरी का टाइम ख़त्म हो गया ऐसा लिख दिया है। तो इसी तरीके से हमें जो है ना एहतियातन वक्त लेना होता है। अब आप देखें इफ्तार के लिए मगरिब का वक्त जो है 6:59 पर शुरू हो रहा है और इन्होंने जो इफ्तार का टाइम लिखा है वो 7:04 का लिखा है। तो बस यही है कि हमें एहतियात करना होगा, 5 मिनट के लिए एहतियात की हमने इसमें भी, कि 6:59 का टाइम था और हमने 7:04 जो है टाइम लिया इफ्तार का। तो इस तरीके से हमें एहतियात करनी होगी। बाकी तो दुनिया में आप कहीं पर भी होंगे इंशाल्लाह अज़्ज़वजल आपको उस जगह का लोकेशन का रोज़े का टाइम टेबल यानी इफ्तार और सहर का टाइम टेबल मिल जाएगा। आइए मैं आपको एक कुछ सर्च करके बता देता हूँ। अब मैं ये सर्च करने जा रहा हूँ संभल। संभल जो है ये मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है यूपी में, तो ये मेरे गाँव के पास में है, तो इसको आज सर्च करते हैं हम। तो ये हमने संभल सर्च किया, आपने देखा किस तरीके से सर्च किया गया, मैनुअल सर्च किया हमने। यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, या तो डायरेक्टली हम सर्च कर लें ऑटो, तो ऑटो जहाँ पर हम हैं ऑन द स्पॉट ये सर्च कर लेगा वहाँ का। ये देखिए ये डन किया और ये डायरेक्टली नया नगर आ गया इस तरफ, ये नया नगर लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से अब जो है हमें लोकेशन सर्च में, अगर हमें मैनुअल सर्च करना है, मुझे कहीं और का देखना है तो, या फिर मैं कहीं बाहर गया हूँ तो वहाँ का देखना है, तो इस तरीके से इसको मैंने संभल सर्च किया। संभल इसके लिए सर्च कर रहा हूँ क्योंकि इसका टाइम टेबल मेरे पास है। तो ये संभल सर्च किया मैंने, तो ऊपर आप ये भी देख रहे होंगे कि रमज़ान मुबारक की 3 तारीख और 26 दोनों चीज़ यहाँ पे लिखी हुई दिखा रही है। तो अब यहाँ पर जो है फजर का टाइम देखें 4:15 का है। तो अब हम देखेंगे संभल का जो टाइम है वो यहाँ पर, ये संभल का टाइम टेबल है, तो इन्होंने 4:08 का टाइम लिया है संभल का। तो आप देखें 7 मिनट का जो है यहाँ पर इन्होंने गैप किया है, यानी एहतियातन वक्त लिया है, 4:15 पर वहाँ पर फजर शुरू हो रही है और इन्होंने 4:08 का टाइम लिया। इसी तरीके से आप देखेंगे मगरिब का जो वक्त है 6:50 का है, यहाँ पे इन्होंने एहतियातन वक्त लिया है 6:59 का।
ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो है थोड़ा डिफरेंस रखना होता है टाइम में, 5 से 7 मिनट का डिफरेंस हम रखेंगे तो ये बेहतर है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार वापस से जो लोकेशन है वो करके दिखा देता हूँ आपको, ऑटोमेटिक लोकेशन में करके दिखाऊंगा। मगर एक और चीज़ है, ये देखिए फेवरेट, तो यहाँ पर किसी जगह एक बार आपने विजिट किया तो बार बार आपको डालने की ज़रूरत नहीं, खुद ही ये फेवरेट में आ जाता है। अभी देखिए मेरा जाना होता है छत्तीसगढ़ 12, तो रायपुर छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, अभी मैंने संबल डाला था आपके सामने, तो संबल भी यहाँ पर फेवरेट में लिस्ट में ऐड हो गया। तो आपको बार बार वो करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट फेवरेट में आएंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी, डायरेक्ट आप क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे रायपुर मैंने क्लिक कर दिया तो ये रायपुर का टाइम टेबल यहाँ पर देख रहे हैं आप, रायपुर लिख के आ रहा है। ठीक है, अब जो है ये हम इसको वापस से मैं करके दिखा देता हूँ कि ऑटो कैसे करेंगे। ऑटो पर जाएंगे, गेट लोकेशन डन। अब मेरा डायरेक्टली जहाँ पे मैं हूँ इस वक्त उसका टाइम टेबल ये पूरा हमारे सामने है। अब इसमें ये बेस्ट एप्लीकेशन है, बेस्ट, इससे बेस्ट एप्लीकेशन कोई नहीं हो सकता, क्योंकि अभी मैं आपको और कुछ चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे नीचे की तरफ देखेंगे ना, यहाँ पर आप ये, तो यहाँ पे कैलेंडर लिख के आ रहा है, तो कैलेंडर पे भी ये, इसमें कैलेंडर भी है तो आपको कैलेंडर भी मिल रहा है इसमें। ठीक है, उसके बाद में किबला, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये किबला है, किबला, किबले का डायरेक्शन आपको जहाँ आप घुमाएंगे, मैग्नेटोमीटर आपके फ़ोन में होना ज़रूरी है, तो इसको मैं जहाँ पर भी घुमाऊंगा देखिए आप किबले की तरफ ही ये जो है अपना रुख कर लेगा। तो ये भी मतलब बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है इस एप्लीकेशन के अंदर, कि हमें कहीं पर भी जाके किबला ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, किबला किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी से रोज़े का टाइम, किसी से इफ्तारी का टाइम, सहरी का टाइम कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद से जो है ना सब चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है अज़कार। अज़कार में आप देखेंगे ईमान की हिफाजत के बारे में अज़कार है, और इसमें तकरीबन 40 अज़कार है, तो इसको भी आप खोल के देख सकते हैं। गरीबी से निजात, तो ये अज़कार यहाँ पर है नीचे की तरफ, तो इसको अब जब गरीबी से जो है निजात देखें तो इसमें अज़कार वगैरह लिखे हुए हैं कि इस तरह से इसको पढ़ना है, वो आप देख लें। और उर्दू और इंग्लिश दोनों में ये अज़कार अवेलेबल है। तो माशाल्लाह ये जो एप्लीकेशन है ये मुझे सबसे बेस्ट एप्लीकेशन लगी। यहाँ पर रेडियो भी है, रेडियो में ये नीचे की तरफ देखिए आप, रेडियो जो है ना इसमें कनेक्ट करेंगे तो ये डायरेक्टली मदनी चैनल का जो है ना ऑडियो, माशाल्लाह वो इतना जबरदस्त तरीके से उन्होंने जो है आगे बढ़े और अच्छा पढ़ा कि माशाल्लाह वो फिर तो मदनी चैनल भी इसमें जो है ऑडियो आ जाता है। उसके बाद नीचे हम देखेंगे तो लॉ ऑफ सलाह यानी नमाज के अहकाम जो है किताब भी अवेलेबल है। रीड मोर आपको दिखा रहा हूँ, इसको रीड कर सकते हैं। नमाज का तरीका है इसमें ऑडियो में, नमाज कायम रखो, और मतलब काफ़ी चीज़ें इस एप्लीकेशन में आप आएंगे तो इंशाल्लाह तो जब आपको मज़ा आ जाएगा। और इसमें एक और चीज़ है, जैसे आप ये इस तरफ देख रहे हैं ना, इस तरफ ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे स्पीकर बने हुए। अब मैंने जोहर की तरफ देखिए आप क्रॉस बना हुआ, मैंने इसको अगर क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए आपको ये क्रॉस की जगह ये बदल गया, यानी ये चालू हो गया। अब जब जोहर का वक्त शुरू होगा उसके कुछ देर बाद ये जो ना यहाँ पे मुझे मोबाइल में अजान माशाल्लाह सुनाई देगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी इसके अंदर फीचर है कि हमें जो है नमाज का टाइम टेबल भी याद दिलाता है एप्लीकेशन। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, और बहुत टाइम से मैं इसको काफ़ी मतलब यानी समझिए सालों हो गए यूज़ करते हुए। तो आपसे भी उम्मीद है कि आप भी इस एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करेंगे और इसको यूज़ करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो नाज़रीन उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमको डाउनलोड करना है इस एप्लीकेशन को और कैसे यूज़ करना है। अगर फिर भी कोई इशू हो तो आप कमेंट में आकर पूछ लें। और आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग जो ना ये कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो ये भी इंशाअल्लाह कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी कि जो अजान है अजान से इफ्तार और सहरी का कोई ताल्लुक है। तो इफ्तार और सहरी का ताल्लुक अजान से कुछ भी नहीं है। फजर की जब अजान होती है तो उसका वक्त चालू होने के कुछ देर के बाद अजान होती है, जबकि सहरी जो है हमें फजर का वक्त शुरू होने से पहले ही बंद कर देनी है। तो आप इसको समझ लें कि एहतियातन वक्त 7-8 मिनट ले लें कि 7-8 मिनट पहले ही जो हमारा फजर का वक्त दिखा रहा है एप्लीकेशन में, उससे 7-8 मिनट पहले ही हम जो है अपनी सहरी को बंद कर लें। और इफ्तार का भी ऐसे ही केस है, अगर एप्लीकेशन जो वक्त दिखा रहा है उससे 5 मिनट के बाद हम इफ्तार करें, ये एहतियातन वक्त होगा और इंशाअल्लाह अज़्ज़ोजल इसमें आपका रोजा जो जाया होने का कोई खदशा नहीं रहेगा। अच्छा, एहतियातन वक्त इसके लिए लिया जाता है कि कुछ लोग आखिरी वक्त तक खाते हैं, इनका टाइम टेबल जो होता है इसमें अगर प्रॉपर वक्त बता दें, एकदम परफेक्ट वक्त बताएंगे तो भी लोग उसके बाद खाते रहते हैं, आपको मालूम होगा, और फिर इस तरीके से फिर चाय वगैरह पीते हैं। तो ये जो है ना इसके लिए एहतियातन वक्त लिया जाता है कि ताकि ये सब जो मामला थे ना, ये सब जो है पहले ही इंसान कर ले और प्रॉपर टाइम पर जो है हमारा रोजा रख लिया जाए और प्रॉपर टाइम पे हमारी इफ्तारी हो। तो आप ये सोचिए कि जहां पर अजान नहीं होती, यानी कोई एरिया हो जहां पे मुस्लिम कम हुआ, मस्जिद ना हो, तो वहां पे अजान ही नहीं होगी, तो उन लोगों को भी इसमें फायदा है ये एप्लीकेशन देखने में। और आप कहीं पर भी इंशाल्लाह अज़्ज़ोजल दुनिया में रहेंगे ना, तो ये एप्लीकेशन आपकी हमेशा मदद करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ोजल दावत इस्लामी हर एक कदम पर जो है मुसलमानों की, सुन्नियों की खैरख्वाही कर रही है और कदम कदम पर आपका साथ दे रही है। तो हमें भी चाहिए कि हम दावत इस्लाम की मदद करें, इसको डोनेशन दें।
इसको सदका दें, जकात दें, फितरा दें, ताकि ये भी जो है आगे चलकर जो है इस तरीके के जो नए नए काम है जो हमारी आसानी के लिए हो उसको ये और कर सके और हमारे लिए और मुसलमानों के लिए इसमें आसानी हो सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं तो, और इसको शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।